नुपुर शर्मा के मामले में पत्रकार रूबिका लियाकत बोली, मुसलमानों को इस गैंग से दूर रहने की जरूरत, मिलने लगे ऐसे जवाब। टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के समर्थन में उतर गए तो वहीं कुछ लोग भाजपा की इस कार्यवाही को सही बताने लगे। इसी मसले पर पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी ट्वीट किया। पत्रकार की ओर से नुपुर शर्मा के मामले पर लिखा गया कि फैसला नहीं लिया तो रोना लगा था रुदाली गैंग का, फैसला ले लिया तो रोना लगा है, रोना जारी ही रहेगा, मुसलमानों को इस गैंग से दूर रहने की जरूरत है। पत्रकार द्वारा किए गए इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, तुम ठेकेदार हो क्या मुसलमानों की, रूबिका लियाकत चुपचाप नौकरी करो और अपना बस्ता अपने पास रखो। विजय पाल सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आपको दुख हो रहा होगा नुपुर शर्मा को लेकर, मगर जो काम उन्होंने किया पूरे देश को शर्म से झुका दिया। दूसरे देश भी हम पर उंगलियां उठा रहे हैं और यहाँ सब सरकार और गोदी मीडिया की मिली भगत से हुआ। दिन रात हिंदू मुसलमान करोगे तो एक दिन सरे बाजार बेइज्जत किए जाओगे। स्वामी नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा, कौन सी गैंग मैडम, क्या आपने नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया था, क्या आपने नवीन जिंदल के बयान का विरोध किया था। मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी मैंने इन दोनों का विरोध किया था, क्योंकि मैं किसी की दलाली नहीं खाता। अगर ये रुदाली गैंग है तो हमें गोदी मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार का बयान भी रूबिका लियाकत के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। रविश कुमार ने ट्वीट करके लिखा, 8 साल का हासिल चाय की दुकान से 5 स्टार तक, वडनगर से वर्जीनिया तक, दिल्ली से सिसली तक, भारत से गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया का जिक्र आएगा, आपका सर शर्म से झुकेगा। मेरी इस बात को स्केच पेन से लिखकर पर्स में रख लीजिए, चैनल जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल न्यूज़ जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।